ઉપરવાસમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદને પગલે ડારોટ ખાડીમાં ઘોડાપૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ. ડારોટ ખાડીમાં પૂરીને પગલે ઉમરાવ ગામ ધોરીપાણ ગામને ભારે અસર પહોંચીને નદીના પાણી 12-15 ફૂટ ગામે ઘૂસી જતા પાણી લોકોમાં ઘરોમાં ઘૂસી ગયા હતા તો લોકો બચવા માટે ધાબા પર ચડ્યા હતા. તો ઉમરાવ ગામના ગામોમાં એનડીઆરએફની ટીમ દ્વારા 200થી વધુ લોકો રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા. તો હજુ પણ ડારોટ ખાડીના કિનારાના વિસ્તારમાં ભીલાડ ધોરીપાર એનડીઆરએફની ટીમ દ્વારા રેસ્ક્યુની કામગીરી ચાલુ છે. देखते हुए अपने रात भर है वो लोगों ने उनको जो लोग फंसे थे उनको सुरक्षित स्थान पर है वो लाया गया और जो जहाँ से जैसी खबर मिलती रात भर रेस्क्यू करने के बाद सुबह खबर मिलती है कि भिलाड़ के पास में भी ऐसी ही कंडीशन है फिर टीम वहाँ से इसी लोकेशन में पहुँचती है और यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिल के जो यहाँ के करीबन 40 से 50 घर है वो पूरी तरह एकदम लगभग 15 फीट तक पानी में थे. कई लोग वो ही कंडीशन थी, कई लोग अपने घरों पे सतों पे थे, कहीं पेड़ पे टहनियों पे थे. उनको घरों की सतों से कई बुजुर्ग महिलाएं थी, कई बच्चे थे, कई बीमार व्यक्ति भी थे. उनको वो सुरक्षित है वो अपनी टीम के जवानों ने बोट के माध्यम से उनको सुरक्षित स्थान पर लाया गया और यहाँ के लोकल सरपंच और लोकल प्रशासन ने जो यहाँ के उनके लिए नियत स्थान सुरक्षित स्थान है वहाँ पर शिफ्ट किया गया. ब्यूरो रिपोर्ट, आज़ाद न्यूज़, वलसाड.